नमस्कार, मैं शारदा जायसवाल और आप देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अस्पतालों में सुविधाओं की कमी, कहीं ना कहीं ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है, जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ तुलिंज ब्रिज के ठीक नीचे। हर रोज की तरह आज भी, आज शनिवार का दिन है, आज भी पुलिस द्वारा नाकाबंदी लगाया गया है, जो बिना वजह के घर से बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है कि बिना वजह के घर से बाहर ना निकले हुए, आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस भी जा रही है। हर रोज धीरे धीरे कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे, मरीजों की संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। वहीं पुलिस भी अब सख्त हो गई है, जो लोग बिना वजह के आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अभी अभी गाड़ी को रोका गया और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, उनका आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अति आवश्यक जो सर्विसेज हैं उसे ही चालू करने की अनुमति दी गई है। इसीलिए हम आपसे विनती करते हैं कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और नियमों का पालन करें। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। गाडी घेताना रोज त्या प्रमाणे तुम्ही गाडी घ्या, घेताना पासिंग झाल्याशिवाय गाडी घ्यायची नसते। मेरे सेंटर पे भक्ति नगर पे पेशेंट बैठा है, ये रात को तो रहना चाहिए, उन्होंने बोला कि बात करना।